कंपैरिजन देखते हैं जी, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस एमिटर एंड कलेक्टर। सबसे पहले आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि जो चीज ग्राउंड में पड़ी है वो कॉमन होती है, ये कॉमन बेस है, ये कॉमन एमिटर है, ये कॉमन कलेक्टर है, ठीक है। इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इनपुट की करंट, ठीक है, इनपुट की करंट और वोल्टेज चेक करते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आउटपुट की वोल्टेज और करंट। करंट गेन की बात करें तो कॉमन बेस में हम आउटपुट कलेक्टर के लिए भी होते हैं, इनपुट एमिटर पे दिए जाते हैं, तो कलेक्टर डिवाइडेड बाय एमिटर, क्योंकि एमिटर की करंट कलेक्टर प्लस बेस होती है, सबसे ज्यादा एमिटर की करंट होती है, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि कलेक्टर की वैल्यू एमिटर से कम होती है करंट की। कॉमन एमिटर के केस में आउटपुट कलेक्टर पे लिए होते हैं, इनपुट बेस पे दिए होते हैं, तो बीटा आ जाता है। कलेक्टर करंट हमेशा ज्यादा होती है बेस करंट से, तो बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। इसके कॉमन कलेक्टर के केस में एमिटर और बेस होते हैं, तो एमिटर की करंट ज्यादा होती है बेस से, तो ये गामा भी हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो कलेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है या एमिटर की करंट, एमिटर की करंट की ज्यादा होती है, इसका मतलब गामा की वैल्यू बीटा से भी ज्यादा होती है, तो सबसे कम अल्फा उससे ऊपर बीटा और उससे ऊपर गामा होता है। फेज रिलेशनशिप कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में कुछ भी नहीं होता, इन फेज होते हैं आउटपुट और इनपुट। कॉमन एमिटर के केस में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलता है। वोल्टेज गेन कॉमन बेस का अच्छा है, ठीक है। करंट गेन जो है कॉमन कलेक्टर का अच्छा है। पावर गेन जो है ना, पावर गेन आप मान लीजिए कॉमन एमिटर का अच्छा है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं वहां ज्यादा होती है। इनपुट रेजिस्टेंस जो है, इनपुट रेजिस्टेंस इसकी लो होती है, आउटपुट हाई होती है, तो इसकी वजह से लो ओवर हाई होने की वजह से, ठीक है, इसी तरह दोनों रेजिस्टेंस मीडियम होती है, इसकी एक लो और एक हाई होती है, वही बात होगी ना। अच्छा, ये कुछ टर्म्स है कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो पीएल और टी और एमपीएल में कैसे वैरी करते हैं। कलेक्टर और एमिटर की करंट बीच में रेजिस्टेंस चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं, तो दोनों केसेस में इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। कलेक्टर बेस की रेजिस्टेंस पीएनपी में कम होती है एज कंपेयर टू एनपीएन। बेस एमिटर की रेजिस्टेंस एनपीएन की कम होती है एज कंपेयर टू पीएनपी। ये डिफरेंट रीजंस होते हैं एक्टिव सैचुरेशन और कट ऑफ, ये हम देख चुके हैं पहले। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हाई वोल्टेजेस गेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, कलेक्टर हाई करंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये हाई पावर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आप करंट टोटल को सब्सक्राइब किए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।